प्रीति आप उस स्कूटी में बैठी हैं जो वीडियो वायरल हो रहा है और गिरी हैं, तो कहाँ का वो वीडियो है और क्या हो रहा था उसमें? वो हमने मतलब क्या बताए, मेरी 100 मिलियन जाती वीडियो, ऐसा नहीं है। ये वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे दोस्तों लोगों ने मेरे पास भेजी, तो से पता लगा मुझे। 33,000 का चालान कटा है। क्षमा मांगी, सॉरी मांगती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता, हम रील्स ही बना रहे थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे वो मांगूंगी, माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतना पैसा नहीं भर सकती कहीं से, क्योंकि मेरे खुद ही मैं जिम्मेदार हूँ अपनी सब कुछ, मैं कहाँ से भरूंगी इतना। थोड़ा प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, थोड़ा जितना हो रहा है कम से कम मेरा चालान कीजिए। कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, असली जितना फैला रहे हैं कि वो फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने उससे पहले भी वीडियो देखा है, इतना गंदा तो नहीं किया है हमने उसमें, इतना गंदा तो नहीं किया है हमने उसमें, इतना गंदा तो नहीं किया है हमने उसमें। बस खाली लड़की लड़की कलर लगा रहे हैं, इसमें क्या गलत किया है? मुझे देखो, मैं क्या बताया, मुझे इतना वो नहीं है कि हमें इतना दिमाग नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। इनके साथ में वीडियो जब से बनाने लगी हूँ तो हम दोनों में इतना क्लोज बन हो गया है कि हम ये सारा ऐसा वीडियो रोमांस वाला ये सब लड़की लड़की बना लेते हैं। तो लड़की के साथ नहीं बनाया एक भी, लड़की के साथ नहीं बनाया एक भी। एक वीडियो जिसमें दो लड़कियाँ दिल्ली मेट्रो के अंदर बैठी हुई हैं और गाना बज रहा है होली से रिलेटेड कलरफुल, और दोनों लड़कियाँ उसमें एक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है कि अश्लीलता फैलाई जा रही है। दूसरा वीडियो होली के दिन का है, जिसमें एक लड़का स्कूटी पर सवार है, पीछे लड़की बैठी है, स्कूटी चलती है और लड़की नीचे गिर जाती है। उस वीडियो पर नोएडा पुलिस ने संज्ञान लिया और जो स्कूटी चालक है उनके खिलाफ 33,000 का चालान काटा है। अब बात सामने आ रही है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। पीयूष हमारे साथ है, प्रीति हमारे साथ है। जो वीडियो वायरल हुआ है स्कूटी वाला, उसमें पीयूष स्कूटी चला रहे हैं, प्रीति पीछे बैठी हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो की हम बात कर लेते हैं। प्रीति आप उस स्कूटी में बैठी हैं जो वीडियो वायरल हो रहा और गिरी हैं, तो कहाँ का वो वीडियो है और क्या हो रहा था उस वक्त? वो वीडियो है 101, वहाँ पे एक वेदवन पार्क है, वहाँ पे हम वीडियो शूट करने जाते हैं। तो वही मैंने रोड पे 4 बजे पार्क खुलता है वो वाला, तो मैंने उसके बाद मतलब वेट करने में बड़ा बोर हो रहे थे, फिर मैंने सोचा कि बाहर ही बना ले, फिर बस एक दो ही वीडियो बनाई, ज्यादा नहीं बनाई थी। तो वो क्या मतलब, आप गिर गई थी या वो स्टंट था? वो हमने मतलब क्या बताए, जैसे मैं सीढ़ियों से गिरते, आपको पता है कि सभी जानते हैं मेरी 100 मिलियन जाती वीडियो, ऐसा नहीं है। तो उसमें हमने बस करके देखा है। पीयूष क्या हो रहा था उस, मतलब क्या स्टंट क्या था, मतलब वो क्या था उस वक्त, क्या एक्ट चल रहा था? वो मतलब बना थे नॉर्मल वीडियो, मैंने इसको बोला कि मतलब ब्रेक मारूंगा तो गिर जाएगी, इसका बैलेंस बिगड़ गया और फिर मैंने मार दी ब्रेक, ये गिर गई, इससे पलट गई। आप लोग क्या ये रील बनाते हैं क्या? हाँ जी, रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, यूट्यूब से। अच्छा, तो अब आप लोग को पता है कि ये चालान नोएडा पुलिस ने काट दिया? हाँ, मुझे ये वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे दोस्तों लोगों ने मेरे पास भेजी, तो से पता लगा मुझे। पुलिस ने कभी कॉन्टेक्ट किया? हमसे तो नहीं किया। अच्छा, स्कूटी जो है वो है विनीता की, अब विनीता से हम बात करते हैं। स्कूटी आपकी है? जी सर, मेरी स्कूटी है। तो पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया? जी सर, किया। क्या बोला, पूरा आराम से बताइए। मुझे पुलिस ने फोन करके बोला था कि आप विनीता बोल रही है मनकी जी, कि आपकी स्कूटी है मनकी जी, कि तो आप स्कूटी लेके और वो लेके खुद आ जाओ, अपने फ्रेंड जो वीडियो बना रहे थे जो गिरी हुई लड़के, उनको लेके आ जाओ। तो मेरे को डर लग गया, तो मैंने वो सोचा कि मैं कि सर ऐसा कैसा क्या होगा कि FIR दर्ज होगा, मेरे को और ज्यादा डर लगने लगा। तो फिर मैं क्या कि डर की वजह से मैं नहीं गई फिर वहाँ पर। तो अभी तक आप पुलिस के पास नहीं गए? नहीं, तो फिर उनका फिर फोन भी नहीं आया। अच्छा, 33,000 का चालान कटा है। हाँ, 33,000 का चालान कटा है मेरा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता, हम रील्स ही बना रहे थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे वो मांगूंगी, माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतना पैसा नहीं भर सकती कहीं से, क्योंकि मेरे खुद ही मैं जिम्मेदार हूँ अपनी सब कुछ, मैं कहाँ से भरूंगी इतना। थोड़ा प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, थोड़ा जितना हो रहा है कम से कम मेरा चालान कीजिए। और कोई हमारा मकसद इस तरह से नहीं था कि पब्लिक को मतलब ठेस पहुंचाना या किसी के साथ वो करना इस तरह से, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए एक वीडियो मेरा वायरल हुआ, उसको लोग बोल रहे हैं कि अश्लीलता फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं, लेकिन इस तरह से हम अपनी होली की खुशी में हमने वीडियो बना दिया है वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक को हम गलत दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा कंटेंट है, हमारे अंदर टैलेंट है उस तरह का, तो हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को
मतलब अनफॉलो किया हो स्टेशन को या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हमने अपनी खुशी में दोनों फ्रेंडों ने वीडियो मेट्रो में बैठ के बना ली। अच्छा हाँ, चलो मेट्रो की बात आई तो जरा दिखाइएगा दोनों लोगों को, प्रीति है उस वीडियो में और आप दोनों, तो वो मेट्रो के अंदर का ही वीडियो है। हाँ मैंने ये वीडियो शूट करी थी जो जो नहीं है क्या बंद कश्मीरी गेट जो येलो लाइन कौन सी है रेड कलर की जो लाइन है उस पे बनाई थी मैंने वीडियो। हाँ तो मेट्रो स्टेशन के ही अंदर आप दोनों बैठे हुए हैं। हाँ हाँ फर्श पे बैठे हैं हम नीचे, तो मतलब हम वीडियो शूट करके आ रहे थे सीढ़ियों से गिरने वाली, तो हम दोनों के मन में चला था कि अरे एक वीडियो प्रीति बोली कि एक वीडियो मेट्रो बना लेते, मैं हाँ सही रहेगा यार अच्छा रहेगा नया नया भी हो जाएगा। हमको ये नहीं पता कि मेट्रो में वीडियो नहीं बनाते हैं क्या, हमको इस चीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, तो हमने एक वीडियो शूट कर लिया बैठ के। तो अब क्या कर सकते, वो वीडियो हमारा वायरल हो गया, अब उसके लिए कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमने इस तरह के कमेंट कर रहे हैं अश्लीलता, हाँ अश्लीलता फैला रहे हैं कि वो फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने उससे पहले भी वीडियो देखा है कि बहुत भद्दा वीडियो बहुत देखा, लेकिन ऐसा तो हमने कभी नहीं, इतना गंदा तो नहीं किया है हमने उसमें, बस खाली लड़की लड़की कलर लगा रहे हैं, इसमें क्या गलत किया है। अगर अगर आप किसी को गलत लगता है कि हमने गलत किया तो उसके लिए मैं क्षमा मांगी सॉरी मांगती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा वीडियो को भी नहीं बनाएंगे। फिर ये आप लोग का देख रहे हैं काफी ढेर सारा वीडियो वायरल हो रखा है, तो आप लोग का कोई ग्रुप है? हाँ जी ये सारे फ्रेंड हमारे ग्रुप ही तो हैं। अच्छा। ये जो बबीता भी हमने अभी 15 दिन ही हुए इनके साथ, मैंने मतलब ये तो मेरे ये फ्रेंड थे, ये 5-6 लोग का ग्रुप था पहले मेरा। आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं? मेरे इंस्टाग्राम पे एक में 40,000 है और एक इंस्टाग्राम पे 3 लाख है। 3 लाख और यूट्यूब पे? यूट्यूब पे एक में 2 आईडी है हमारी यूट्यूब पे, तो एक में तो 1 लाख है और एक में 8.5 लाख है। पीयूष आप कैसे इनसे जुड़े? मतलब मैं वीडियो शूट करने गया था राजीव चौक पार्क में, तो ये वीडियो शूट कर रही थी, तो मैं जानता था इनको, मतलब इनके साथ मेरा दोस्त वीडियोस बनाता था, तो फिर मैंने इनसे बोला कि वीडियोस बनाओगे मेरे साथ, इन्होंने बोला हाँ, तो हम लोग एक दो बार बनाए कम से कम, फिर अच्छा लगा इनको मेरी वीडियोस, तो फिर इन्होंने बोला कि हम लोग कंटिन्यू बनाते हैं, तो फिर बस ऐसे जुड़ते रहे। इनका मैं जो सीढ़ियों से गिरते हैं तो मुझे एक लड़का भी चाहिए था कि हम गिरे और कोई लड़का मुझे ऐसी मतलब इनका रोना अच्छा लगा एक्टिंग करना, तो मैं फिर मैं 8 महीने तक हमने वीडियो 8 महीने हुए ना अभी, 8 महीने से हमने मतलब बहुत कुछ, बहुत पब्लिक ने भी पसंद किया कि हम सीढ़ियों से गिर रहे हैं, लोग कब कुछ लोग कहते कि मत बनाओ ऐसी वीडियो कि चोट लग जाएगी। प्यार मिला उन वीडियो से? प्यार तो बहुत मिला मुझे, 100-100 मिलियन गई यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है 100-100 मिलियन से क्या सीढ़ियों से ऐसे गिर जाते हैं? हाँ लंबी लंबी सीढ़ियों से, तो स्कूटी तो कुछ भी जो गिरे हैं उसमें वो तो कुछ भी नहीं है, तो इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियों से आपने देखा ही होगा। नहीं तो आप तो ये नोएडा पुलिस बोलिए ना कि आप ऐसा स्टंट बाजी कर रहे हैं तो लोगों की जान को खतरा भी हो जाएगा। तो मैंने ये वीडियो पहली बार बनाई है, ऐसा स्टंट नहीं कर रहे थे, वो गलती हो गई हमसे, स्टंट हम लोगों को, हम तो कभी स्कूटी मतलब लाइफ में सीखा ही नहीं अभी तक ना, मुझे पसंद है, इसने बोला कि चल थोड़ा सा चला ले वीडियो बन जाएगी, मतलब चल ठीक है ट्राई करता हूँ, तो फिर वही बस मिस्टेक होगा, गलती हो गई बस। अब नीचे वीडियो देख लेना, बस सीढ़ियों से गिरने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सेट वीडियो बनाते हैं। आप लोग के वीडियो के चक्कर में तो आपकी जो दोस्त है उसका चालान कट गया स्कूटी का, तो कैसे भरेंगे आप लोग सब? अब मिले क्या करें फिर, समझ में नहीं आ रहा, हमने इतना पैसा अभी इतना पैसा कमाया नहीं सोशल मीडिया से कि हम इतना जल्दी से भुगतान कर पाए। ये आप लोग आप स्कूटी का चालान कटा, आप ये कब से आपने बनाना शुरू किया रील्स? ये स्कूटी का तो फर्स्ट टाइम ही बनाया है हमने, कल ली इनके साथ में वीडियो, मतलब इन्होंने बोला कि वीडियो से शूट करनी है तो स्कूटी की, तो मैं कोई नहीं कर लो ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं, पैरों से धीरे धीरे चलाया स्कूटी को, कभी ये नहीं कि मतलब बीच रोड पे चलाया हो साइड में चल रहा है, तो अब उसके लिए शर्म क्या कर सकते, चालान काट दिया। अब आप लोग का दोनों जो मेट्रो में आप लोग वीडियो बनाए उसको लेकर तो काफी वायरल है कि आप लोग अश्लीलता फैला रहे, आप लोगों को कभी नहीं लगा कि वो अश्लीलता फैला रहे आप दोनों लोगों को? जब पब्लिक को बुरा लगा तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए था, और मुझे देखो मैं क्या बताया, मुझे इतना वो नहीं है कि हमें इतना दिमाग नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने पहले, अब आपने देखो नीचे वीडियो देखना कि सेट वीडियो के अलावा मिलेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि हम सीढ़ियों से गिरने वाली बनाते, मेरा यही कंटेंट से ही लोग हमें जानते हैं, अब यहाँ के नहीं हर जगह के, उसी वीडियो एक जो ये सीढ़ियों से गिरने वाला कंटेंट हमारा ही था और इसी से ही हमें जानते लोग। आप कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तराखंड। तो यहाँ कैसे दिल्ली आना हुआ, कैसे ये सब वीडियो की वजह से यहाँ रहती हूँ मैं। अच्छा सिर्फ वीडियो बनाने की वजह से आप दिल्ली में आई हैं? तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ यहाँ? पढ़ाई नहीं करी है, मेरे माँ बाप गरीब हैं तो हमने पढ़ाई नहीं करी है। तो ये वीडियो बनाने का जुनून, रील्स बनाने का जुनून कब से शुरू हुआ?
ये मुझे मतलब 2 साल हुए। कहाँ से शुरू हुआ ये? शुरू मतलब यहाँ हरियाणा से ही किया था, मैं हरियाणा रहती थी पहले, फिर हरियाणा से नोएडा में मुझे हो गए 1.5 साल, तो यहाँ से फिर मैं बनाने लगी वीडियो। तो अकेले पहले वीडियो बनाते थे? पहले अकेले बनाती थी। हाँ, उसके बाद फिर 8 महीने हो गए पीयूष के साथ भी, उसके बाद में अकेले बनाती थी, 8 महीने हुए इन लोगों के साथ बनाती। और आप कब से बना रही हैं? कैसे आपका जुनून कैसे शुरू हुआ? मेरे को 2 साल हो गए बनाते हुए, लेकिन मैंने कई बार अपना चैनल रिसेट मार दिया कि वीडियो नहीं चल रही, वीडियो नहीं चल रही। फिर मेरा एक वीडियो गया था 2 लाख कुछ, तो मुझे जब से ना अभी लालच लग गया कि मतलब, और कुछ लोग बोले तो इससे पैसा आता है, तो वो लालच लगाता मेरे की वीडियो और अच्छा बनाऊं और अच्छा बनाऊं, तो मैं वीडियो बनाती रही, मेरा वीडियो चलता रहा। फिर उसके बाद मैं सोचती कोई मेरा पार्टनर ऐसा मिले ताकि मेरे का शूट कर दे मेरा वीडियो, मतलब साथ में एक्टिंग कर ले, मेरे साथ कोई एक्टिंग करने वाला नहीं था। तो ऐसी अचानक से इंस्टाग्राम से मुझे प्रीति जुड़ी, प्रीति से मैं जुड़ी, जुड़ के इनके साथ में मैं वीडियो बनाने लगी। तो इनके साथ में वीडियो जब से बनाने लगी हूँ तो हम दोनों में इतना क्लोज बन हो गया है कि हम ये सारा ऐसा वीडियो रोमांस वाला ये सब लड़की लड़की बना लेते हैं, मतलब लड़के के साथ नहीं बनाया एक भी लड़की के साथ, तो हम दोनों में इतना मतलब वो हो गया है कि हम कैसा भी वीडियो साथ में बना लेते हैं। अच्छा, ये जो मेट्रो स्टेशन पे वायरल हुआ है उसमें आप लोग कलर वलर सब लेके मेट्रो स्टेशन पे गए थे? कलर बस थोड़ा सा लेके गए थे, ये साड़ी थी ना जो मैं वीडियो ऑलरेडी पहले से शूट करके आ रहे थे हम, तो उसी पे ही कलर लग रखा है। अचानक से आइडिया आया मन में कि बनाते हैं। मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई थी सीडियो गिनने की, जैसे मुंह में खून नकली खून लग डाल लिया, तो वही उससे ही संगी थी वो, मतलब गंदी हो गई थी साड़ी, व्हाइट कलर की साड़ी पहन के गए, और कलर तो मैं सिर्फ इतना लेके गए थे बस, गाल पे लगा, गाल पे लगाया था मैंने वहाँ पे जो मेट्रो में। तो अब तो फंस गए आप लोग जो है। तो हम सभी से, सरकार से और सब पब्लिक से यही कहना चाहेंगे कि आपको अगर आपको बुरा लगता है, सभी को किस तरह की वीडियो अच्छी नहीं लगती कमेंट करके, तो हम नहीं बनाएंगे, आपको जो अच्छा लगे हम उस टाइप की वीडियो बनाएंगे। बस हमारा अच्छे से सपोर्ट करो, हमें प्यार दुलार दो, क्योंकि आप लोगों की हमें सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करती। कहाँ के रहने वाले? मैं नोएडा रहती हूँ। आप पढ़ाई कर रखी? मैंने 12th क्लास कंप्लीट। तो अब आप लोग का मकसद सिर्फ, आप लोग सब अलग अलग स्टेट से सिर्फ वीडियो बनाने के लिए दिल्ली आए? हाँ जी। तो कैसे मतलब खर्चा कैसे चलता है? खर्चा भाई काम करते हैं 6-7 हज़ार की नौकरी, ऑफिस वगैरह, टाइम निकाल के वीडियो भी बनाते हैं। किस तरह की नौकरी करते हैं मतलब? मैं तो एक बार मदर्शन कंपनी उसमें किया मैंने जॉब, फिर उसके बाद मैं थोड़ा मेरे को वीडियो लालच लिया तो मैंने कुछ दिन के लिए गैप दे दिया, तो मुझे वहाँ से ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद में मैंने जो एक्सपोर्ट लाइन होती है ना उसमें भी कुछ दिन काम किया। अच्छा, रील्स का जुनून ऐसा था कि नौकरी भी छूटी? तो जैसे 2 महीने कमा लिया सर, आने जाने के लोकेशन पे और खर्चा पाने के लिए रील्स के चक्कर में, तो जैसा दिखा पैसा कम हो रहा था फिर जॉब पकड़ ली, और वो कले मतलब जॉब भी देखना है और मतलब रील्स भी बनाते हैं सर। जिनकी स्कूटी है मैडम विनीता, उनको आपको भी बुलाएगी, पीयूष आपको भी बुलाएगी, आप लोग के खिलाफ FIR दर्ज। अब क्या करेंगे? अब वहाँ पे जाएंगे तो क्या होता है, मैं जानते नहीं भैया, अब क्या बताएं, हम तो गरीब लोग हैं इतना। अब क्या वहीं जाके देखते हैं, माफी मांगेंगे, गलती हो गई, हमें तो कुछ पता नहीं था कि मतलब हेलमेट वगैरह लगा के स्कूटी, और स्कूटी तो चलाना आता ही नहीं, मैं तो ऐसे नॉर्मल चला लिया। हमारे घर में ना स्कूटी है ना साइकिल है, हम तो इतने वो नहीं है, और ना हमने चलाई, पहली बार इनकी स्कूटी पे बैठ के हमने रील्स बनाई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम बीड़ों वजह से सिर्फ अकेली रहती हूँ और ये सब फैमिली के साथ रहते हैं। स्कूटी आपने दिया, फंस गई? तो फंस गई क्या सर, जब चालान कटा, जब रील्स बनाया, तीनों ग्रुप के लोग हैं तो ग्रुप के लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। चालान मैं कहना चाहूंगी सबसे कि ज्यादा से ज्यादा मेरा चालान ये कटा है उसे कम से कम करवा दें प्लीज, मतलब क्योंकि मैं पैसा इतना कहाँ से भरेंगे हम लोग, उसको भी पैसा नहीं अभी उसका पास है, ना उनके पास है ना मेरे पास है। यूट्यूब पे पैसे आने लगे थे पता है, उसमें हमने एक वीडियो को 2-3 दिन बाद डाल दी, डीमोनिटाइज हो गया, नहीं तो हम इतना क्या भर लेते हैं। पर मेरे पास अभी मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, क्योंकि हमारे छोटे भाई हमसे हैं और मेरे पढ़ते भी हैं, मेरी मम्मी घर ऐसे कोई बड़े घर के हम लोग नहीं है। तो ठीक है, फिर अब सबक तो मिला ना, अब कभी ऐसे स्टंटबाजी तो नहीं करोगे आप लोग ना? अब तो नहीं करेंगे सर, लेकिन पहली गलती हुई है ये, लेकिन इसके लिए इतना चालान कटा है, इसके लिए हम क्या करें, हम कहाँ से लाएं पैसा? अगर पुलिस बोली अगर चालान नहीं भरोगे तो तुम्हारा जेल चले जाओगे, तो इसलिए पता इतना दिमाग टेंशन में, हम कुछ बता नहीं सकते। अब क्या बताएं, अब क्या स्टंटबाजी होगी? हमने तो आज अभी तक बनाई नहीं, मतलब कभी तो बनाई नहीं ऐसी वीडियो, होंगी नहीं स्कूटी वगैरह की, आप बनाई नहीं। मेरी आईडी पे चेक कर लेना, सीडियो से गिनने की वीडियो, सेड वीडियो, इसके साथ कपल वीडियो मिलेंगी। अच्छा, और ये अश्लीलता वाला
ये सब नहीं बनाई हमने कभी, हमने होली पे ही पता नहीं डांस की आते थे और सेट बस ऐसे ही गिनने की अश्लीलता। नहीं सर, अगर पब्लिक को बुरा लगता है तो हम ये सब इस तरह की वीडियो नहीं बनाएंगे और क्या है? पुलिस तो कह रही है कि अश्लीलता भी फैला रहे हैं। सर, एक बात तो माननी पड़ेगी, मैं इसे गलत मत समझना, मुझे मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये वीडियो आपको इतना गलत लगा है हमारा, चलो ठीक के लगा है आपको कि आपको मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इससे पहले भी मैंने देखा वीडियो बहुत ज्यादा गंदा गंदा बना है, मैंने देखा है खुद मेट्रो और जो स्कूटी की वीडियो आप कह रहे हो ना कि हमारे मतलब ये बिना हेलमेट से बना रहे हो, और मैंने कितने की इंस्टाग्राम पे देखी, अभी दिखा सकते हैं कितने लोग ऐसे खड़े होके चल रहे हैं उसमें मतलब बिना हेलमेट से। ठीक है, ये प्रीति है और पीयूष है, दोनों का वीडियो वायरल है जिसमें लड़की पीछे से गिरती हुई दिखाई दे रही है, वो प्रीति है। विनीता और प्रीति का मेट्रो का आपने वीडियो देखा होगा, जो मेट्रो के फर्श पर वीडियो बनाया गया है, मेट्रो में किसी तरह का वीडियो बनाना सही नहीं है, वो कानूनी तौर पर। और जो स्टंटबाजी हुए उस पर भी नोएडा पुलिस ने चालान काट दिया क्योंकि हेलमेट नहीं था, 33,000 का चालान। अब इनका कहना है कि ये लोग गरीब परिवारों से है, पहली बार ऐसी गलती हुई है, अगर अश्लील वीडियो लगा तो उसके लिए माफी मांगते हैं। और स्टंट नहीं कर रहे थे, वो रील बनाने के लिए कर रहे थे। बहरहाल नोएडा पुलिस ने 33,000 का चालान काटा, FIR दर्ज किया है, अब ये लोग माफी मांग रहे हैं, अब ये देखना होगा कि माफी मिलती है या फिर चालान कटता है।